चल के बताओ एक बार वो वाली कॉमेडी करो। चलो तुम करो, तुम्हारे ऊपर सूट करेगी वो। मेरे ऊपर क्या, बढ़िया पतला आला है जो चीज चलता है। करो भाई, 12 लोग को देखना है। अरे काय कॉमेडी, यही 12 के दिन 1200 बनेंगे, 12000 बनेंगे और 12 लाख बनेंगे, यही 12 करोड़ बनेंगे। और क्या, 12 करोड़ तो 12 लाख तो बनेंगे, है कि नहीं? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस सुबह के देखिए अभी बज रहे हैं 12:30 और राखी दीदी स्कूल जा चुकी है। देखो भाई नहा धो के पूजा वूजा करके मोबाइल चला रहा है। देखो मम्मी, गांव में किसी का फ़ोन आया है ना, गांव से बहुत फ़ोन आता है, मेरे मामी का हो गया या कोई भी हो गया, गांव से तो फ़ोन बहुत आता है। तो मम्मी अपना बात कर रही और राखी दीदी स्कूल गई हैं, आपको पता ही है, एक दिन छोड़ के एक दिन एग्ज़ाम चल रहा है ना उसके, तो अभी फ़िलहाल स्कूल गई है। और यहाँ किचन में देखिए दाल लाल बन रहा है, आज बन रही है पीली दाल, यानी कि अरहर की, अरहर भी बोलते हैं, तो वही है। बाकी नाश्ता तो सब हो चुका है और 11:30 बज रहे, जा रहे बिजली बिल जमा करने। कितना कितना है इसमें? हाँ ठीक है, तो ये बिजली बिल जमा करना है ना, बिजली बिल आया है, ये देखो ये मीटर गया, गैस का भी बिल जमा करना है। यहाँ पर हमारे यहाँ पाइप वाली लगी है, ज़्यादा सब जगह सिलेंडर वाली चलती है, यहाँ पर जहाँ पर हम रहते हैं यहाँ पर पाइप वाली लगी है, तो गैस का भी बिल जमा करना है, तो अभी बिजली का बिल जमा करने चल रहे हैं। 1500 आया है एक महीने का बिल। अब गर्मियों में ज़्यादा आता है, अब ठंडियाँ आ ही रही हैं, अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा तो ठंडियाँ एक तरह से चालू हो जाएगी, क्योंकि ठंडियों में थोड़ा कम आता है, 1000-1200 ऐसे ही आता है, लेकिन गर्मी के टाइम पे 1500-1600-1700 ऐसे ही आता है बिल। तो चलिए बिल जमा करने चलते हैं, यहीं अपने ऑनलाइन भी जमा कर देते हैं, लेकिन अब ऑनलाइन के लिए पहले अकाउंट में पैसे डालो तब ऑनलाइन जमा करो, तो इससे अच्छा है जाके जमा ही कर दें, जाना तो पड़ेगा ही, चाहे ऑनलाइन अकाउंट में डालो चाहे कैसा में जाके जमा करो। तो वही है, मम्मी ने पैसा ऐसा दे दिया है, 1500 बिल आया है, तो चलिए चलते हैं बिल जमा करके आते हैं। बाकी तो सब लोग बैठी हैं, क्या कह रही हो, क्या कह रही हो? हाँ रख दिया, चलो। और यहाँ पर देखिए राखी दीदी भी स्कूल से आ चुकी हैं, टाइम देखें यहाँ पर 12 बज रहा है, तो बताया ना अभी इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जब तक एग्ज़ाम चलेंगे तो इनके स्कूल की छुट्टी भी जल्दी होती जाएगी 12 बजे, तो वहीं रास्ते से इनको भी ले आए, टाइम हो ही गया था। ये देखो आ गई हैं, आज पढ़ाई क्या हुई, ये देखो भाई को इनका चालू रोज का रूटीन, नहा दो पूजा पाठ करो नाश्ता करो सो जाओ, देखो अंडरवियर में वही भी लिखता है, ये देखो चलो जाओ खाना ना खाओ। मम्मी देखे अभी बतिया रही क्या, ये देखो इनके कब से फ़ोन चल रहा है, जब हम गए थे देखो तब से बात कर रही, बता रहे हो मायके आए के फ़ोन आ जाता है ना इनका गांव आओ से, तो बहुत बतियाती हैं, सबके यहाँ यही हाल होता होगा, आप लोग के मम्मी लोग भी गांव से अगर बात करते होंगे मायके से, तो एक एक डेढ़ घंटा फ़ोन चलता ही रहता होगा। चलिए अब 12:30 बज गया है, देखते हैं खाना ना खाने का टाइम हो गया है, खाना तो आपको बता ही दिया, मम्मी ने दाल बनाई दी है, बस तड़का लगाना है इसको, बाकी यहाँ चावल बन रहे हैं। ये देखो स्कूल से आई है, कह रही हमको कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है, इनकी आदत पड़ गई बाहर का खा के वजन बढ़ा रही और कुछ नहीं। देखो मम्मी समझाओ उनको, तो बतियाने में लगी तब से, कल पास्ता लेके आए थे ना तुमको, वैसा पास्ता बना नहीं पा रही हो है? बस दिन भर यही जेठालाल देखो और कुछ नहीं, कह रहे हैं कल जैसा पास्ता लाए टेस्टी था, तो वैसा पास्ता जाओ बनाओ, जाके खाने का मन हो रहा है तो घर में बनाओ ना, खाने का मन हो रहा घर में नहीं बनाएंगे, बस बाहर का खा खा के बस खाओ यही वजन बढ़ाओ। कल मम्मी ने तुम्हारी अच्छी बेइज्जती करी थी वीडियो में, ये देखो मोबाइल लेके यही करो भाई, ये देखो बिना मतलब कह रहे हो जाओ घर में बनाओ तो अच्छा भी है, बाहर का मत खाया करो ज्यादा, उठो। देखो दोनों फिर लड़ रहे हैं, देखो पता नहीं किस बात पे लड़ाई हो रही, क्या हो गया अब, काहे के लिए लड़ रहा है तो अब काहे के लिए लड़ रही है उससे, लड़ाई इस बात पे हो रही, देखो टीवी चला लेती है फिर मोबाइल ले लेती है, अब वही रोक रहा है तो ये जिद कर रहे हैं उससे लड़ रही है। अरे एक चीज देखो ना, या तो टीवी देख लो या तो मोबाइल देख लो, क्या कह रहे हो? कह रहा सारा गुस्सा अभी मोबाइल में निकलेगा, ये देखो मम्मी देखो तड़का लगा रही हो क्या, देखो दाल झोंकी जा रही है, देखो चलो खाना वाना तैयारी हो गई। तो गाय हो रहा है अभी इवनिंग का टाइम, राखी दीदी यहाँ पर देखो बना रही हैं चाय, चाय के साथ ये क्या पराठा तला जा रहा है क्या, सुबह खा के नहीं गई थी क्या तुम, ये देखो पराठा तला है, ये देखो चाय फैल कैसे गई,
सुबह पराठा नहीं खा गई थी, रोटी जो बची थी ना देखो उसी को तल रही है। अब मैंने रोटी बनाई थी तो भूख लगी होगी, बताया ना शाम को भूख लगती है इनके। देखो रोटी तल लिया बढ़िया, अब इसमें नमक डाल के चाय के साथ खा जाएंगी। ये देखो चाय यहाँ पर रखी, जब दूध ज़्यादा था तो ज़्यादा थोड़ा दूध डाल देती, बच जाएगा फालतू का वो। चलिए चाय पीते हैं। मम्मी देखो मोबाइल देख रही, ये देखो फैमिली मेम्बर हमारे, देखिए शाम के 5 बज रहा है। मम्मी यहाँ पर क्या फालतू सीमा इधर देखा करती हो, जब देखो मोबाइल में सीमा इधर देखा करेंगे। देखो ज़्यादा ये फालतू जितना देखा करो, न्यूज वाले कुछ फालतू ही बताते हैं। धूप तो बहुत तेज है, एक चार दिन मौसम अच्छा था उसके बाद तो ला चल। थोड़ा इसमें हम दूध डाल ले रहे हैं भाई, तुमने थोड़ा दूध नहीं डाला। ये देखो इनको ये बॉडी दिखा रहे हैं, लाओ जरा थोड़ा पोज दियो। ये देखो इनको, अरे तो जिम में जाओ थोड़ा बॉडी वॉडी बनाओ, बॉडी देखने सुलम बनेगी। मम्मी मम्मी कहाँ गई, तब लोग कोई दिख ही नहीं रहा। किचन में महक तो अच्छी आ रही है, कुछ बना ही नहीं क्या? अच्छा करेले की सब्जी बनी है, ये देखो करेला आज बना है, कल लेके आया सब्जी तो आज मम्मी, कल कहा था हमने बनाने को लेकिन कल सब बना ही था तो आज, अरे गिरना नहीं आज बना है करेला बढ़िया। कहाँ गई मम्मी, दूध दूध ला के रख दिया। और राखी को देखो ये क्या कर रही, देखो ये इतना तुम समझाते हैं लेकिन फिर भी तुम्हारा मोबाइल चलता ही करता है, चला ही करता है। एग्जाम चल रहे, चुपचाप कापी किताब उठा लो, फालतू टाइम पास किया करती हो। अरे काम के लिए यूज़ करो तो ठीक भी है। अब हम तो काम के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए दिन भर मेरा काम ही मोबाइल में है, शूट करना एडिट करना। अब देखते हैं हम फालतू का इंटरनेट पर लोग टाइम पास बहुत करते हैं, सच बता रहे हैं। अगर अब पहले तो इंस्टाग्राम में टाइम पास करते थे, अब तो यूट्यूब में भी साला रील्स आ गया, अब उसमें ही टाइम पास करते रहते हैं शॉर्ट में ही। फालतू का लोग बताते रहे, यही एक रील देखते रहो तो स्क्रॉल करते चले जाओ, उसका यूज़ करें अच्छे तरह से लोग, सही तरह से तो फ़ायदा हो जाए, बेनिफिट मिले। अब जैसे हम ही यूज़ करते, मेरा काम ही है जैसे चीज़ें करना। ये देखो इनको वहाँ बॉडी दिखा रहे, तब यहाँ बॉडी दिखा रहे। अच्छी अंकित भैया पुरिया बनोगे क्या? राम राम सारिया ने बहुत वायरल चल रहा, क्यों इस समय फेमस उसी के जैसे चैलेंज तो हमने भी लिया है, 75 डेज ब्लॉग चैलेंज डालेंगे। ब्लॉग करना मुश्किल नहीं, तो करके देखो तुम 10 दिन करके देखो, पता चले टाइम पे देना है, डेली ब्लॉग करो डेली टाइम पे दो। अरे कर तो छोड़ दो, कहने में हर चीज आसान लगती है, करने मुश्किल लगता है। क्या शरीर में सब कुछ मेहनत में लगती है, शरीर में क्या मेहनत लगती है यार? सुबह 4 बजे उठ के करो वर्कआउट, मालूम कोई काम ना हो तो सुबह 4 बजे उठ के वर्कआउट करे, खाना पीना खाए और क्या यार, शरीर ना रहा तो तुम पहले उठ पाओगे 4 बजे? तो शाम को हम पहली बार तो वीडियो सब एडिट करते हैं, एडिट करके उसके बाद सब काम ही करके टाइम हो जाता है तो उठने का काम। तुम सही बोलो, तुम्हारे पास टाइम है, तुम अपना वजन कम करो। कल मम्मी ने क्या कहा था? कहा उदा तो मम्मी गजब बेइज्जती कर दी हमसे। ठीक हो? अरे पतले इतनी ठीक है, समझ रही हो? तुम तो कौन सा ग्रीन वाला, चल के बताओ एक बार वो वाली कॉमेडी करो जो, चलो तुम करो, तुम्हारे ऊपर सूट करेगी मेरे ऊपर क्या, बढ़िया पतला आला है जो चलता है। करो भाई 12 लोग को देखना है। का कॉमेडी यही 12 के दिन 1200 बनेंगे, 12000 बनेंगे और 12 लाख बनेंगे, 12 करोड़ बनेंगे और क्या, 12 करोड़ तो नहीं 12 लाख तो बनेंगे, है कि नहीं? मजाक उड़ा लोगे तुम लोग, मजाक उड़ा रहे ना, व्यूज कम आते वही कह रहे 12 लोग देख तो यही 12 लोग 12 लाख बनेंगे, कह रहे मजाक उड़ाएंगे। खाना पीना सब हो गया, टाइम से 6 बज रहे हैं और यहाँ पर देखो राखी दीदी रात में अपना एग्जाम की तैयारी कर रही, देखो ये और यहाँ सामने देखो चल रहा रामायण, ये देखो तो पापा लोग बैठ के देख रहे थे, पापा तो चले गए खाना ना खा के, मम्मी देखो देख रही, ये देखो
कैसे देख देख के हंस रही, वहाँ सीन चल रहा है ना बढ़िया वाला। लॉकडाउन में खूब चला, लॉकडाउन जब लगा था तो पूरे इंडिया में पूरे भारत में रामायण देखा जा रहा था, दोनों टाइम दे रहे थे इसको। तो उस समय जब ये आया तब तो बहुत पॉपुलर था ही, लेकिन लॉकडाउन में फिर पॉपुलर हो गया था, बहुत से लोगों ने देखा। हम लोग भी सुबह देखते थे, 8 बजे चालू हो जाता शाम को भी। तो भाई अभी फिर दे रहे, तो देखो मम्मी देख रही है यहाँ पर, ये देखो भाई लेटा अंदर, लेट जाके ना जा अंदर लेट जाके। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हो 75 डेज ब्लॉग अपलोड करने का चैलेंज लिया ही है, तो ये हमारा चौथा डे है, यानी ये चौथा ब्लॉग है। ब्लॉग तो मैं वैसे ही बहुत पहले से अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन ये चौथा ब्लॉग है। तो आप लोग से मैंने कहा थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक, जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देखें तो प्लीज़ उनसे यही रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिए, जिससे मुझे और वीडियो बनाने की इच्छा हो और मैं आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो बस आप लोग को एक थोड़ा सपोर्ट दिखाना है, बाकी मैं पूरी मेहनत करूँगा। 75 डेज तक आपको लगातार ब्लॉग मिलेगा सुबह 10 बजे, तो एक चौथा दिन है हमारा। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप लोग फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।